वेलकम बैक टू माई चैनल सिंपल रेसिपीज फन कुकिंग दोस्तों आज हम चावल का आटा घर पे कैसे बनाते हैं वो देखेंगे उसका रेसिपी देखेंगे बहुत ही सिंपल है तो सबसे पहले आप कोई भी चावल ले लीजिए और उसको आधा घंटा भिगा के रखिए चावल को दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद आधा घंटा भिगा के रखें इसके बाद एक नेट के सहायता से आप चावल की जो पानी है चावल का वो छान लें थोड़ा बहुत चावल भी चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको इसके लिए धूप में चादर बिठा बिछा के या कपड़ा बिछा के सुखाने का कोई ज़रूरत नहीं है सिंपली एक नेट का जाली ले और उसमें चावल को सूखने दे आधा घंटा बस एकदम ड्राई करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है इसके बाद एक मिक्सर ग्राइंडर ले उसमें जितना चावल आ सकता है एक बार में उतना चावल डालें और बस ग्राइंड कर लें अब बस हो गया था यार इसको थोड़ा देर ज़्यादा आपको ग्राइंड करना पड़ेगा और ये बिल्कुल आटे जैसा हो जाता है इसके बाद फाइनली आपको बस इतना ही करना है कि एक चावल चलने ले और आटे को उसमें छान लें ताकि जो भी थोड़ा बहुत अगर बड़ा पार्टिकल्स रह जाएगा चावल का तो वो अलग हो जाएगा और आपका स्मूथ आटा रेडी हो जाएगा लग रहा होगा कि आटा एकदम गीला गीला टाइप होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आटा बिल्कुल ड्राई होगा और अगर आपको थोड़ा लग भी रहा है कि थोड़ा गीला है तो बस छानने के बाद जो फाइनल आटा हमारा बनेगा उसको दो दिन आप अगर अच्छा धूप होता है तो एक दिन ही काफ़ी है और अगर अच्छा धूप नहीं है आपके घर पे तो बस दो दिन आप इसको थोड़ा धूप में सुखाने के लिए रख दें और इसको आप स्टोर करके रख दें आप इसको आराम से एक साल के ऊपर आप स्टोर करके रख सकते हैं और चावल के आटा का मज़ेदार स्वादिष्ट आप जो भी पकवान चावल के आटे का बनता है वो आप बना के खा सकते हैं तो ये ग्लूटेन फ्री भी है हेल्दी भी है घर पर बनाया हुआ है आधा घंटा में बन जाता है जिस भीगने में थोड़ा टाइम लगता है और एक दिन सुखाने में दैट्स सेट मेहनत तो है ही नहीं इसमें कोई भी तो इसको झटपट बनाइए और चावल के आटे के अच्छे अच्छे पकवान घर पे बनाइए और अपने फैमिली के साथ शेयर करिए तो आपको ये मेरा भी रेसिपी कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताए कमेंट करके अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में दिल दिन अपना ध्यान रखें खुश रहें बाय बाय टेक केयर